मुझे मालूम था कि मुझे इंडिया में जाकर काम करना है गरीबी पर। स्टार्टअप वर्ल्ड थोड़ा ग्लैमराइज होता है कि वाओ कितना तुम स्टार्टअप चलाते हो, बड़ी चीज हो गई। और आजकल स्टार्टअप की मतलब फेलियर रेट इज वेरी हाई, नो 90% ऑफ स्टार्टअप्स फेल। दिस इज नॉट अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ गुड थिंग। पैसे के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे दिमाग के लिए अच्छा नहीं है। हमें किसी की दया पर नहीं चलना है, राइट? हमें सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाना है, वो ही स्केल हो सकता है, वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा। 2 साल हमने मतलब इस पर रिसर्च किया, आसानी से तुम्हें सपोर्ट भी नहीं मिलता है, पर चैलेंजेस बहुत रहते हैं। एंड इट्स योर एटीट्यूड, अगर तुम्हारे मोटिवेशन है, तुम्हें काम करना है, तुम्हें ये तो हो जाता है। इंडिया इज अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट अप। तुम्हारे में दम है और आर यू विलिंग टू मेक द कॉम्प्रोमाइज एंड सैक्रिफाइसेस टू स्टार्ट समथिंग, क्योंकि वो डिफिकल्ट रहता है। इट्स नॉट स्टार्टअप ऑन दी आउटसाइड सबको लगता है कितना मजा का काम है, नहीं, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। हमारा मतलब लॉन्ग टर्म विजन प्लान ये है कि हम कैसे ये सोशल, डीप सोशल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो इंडिया में है, गरीबी के और ये कचरा का, हाउ कैन वी सॉल्व दैट। हमें पैसे नहीं बनाना, दैट्स नॉट द मेन गोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। तेजी से बढ़ते स्टार्टअप के दौर में नए नए आइडियाज के साथ लोग मार्केट में उतर रहे हैं। ये आइडियाज इनोवेटिव हैं, ट्रेंडी हैं और इको फ्रेंडली भी हैं। हमारे साथ आज इस बातचीत में अनीश मालपानी जुड़ गए हैं। अनीश पुणे से हैं और इनकी कंपनी आशाया ने ऐसे सनग्लासेस तैयार किए हैं जो चिप्स पैकेट यानी मल्टीलेयर पैकेजिंग से इनको रिसाइकिल करके तैयार किए हैं। तो क्या है इसके पीछे की कहानी, चलिए अनीश से ही जान लेते हैं। अनीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला मेरा आपका यही सवाल है कि चिप्स पैकेट से सनग्लासेस, ये कैसे पॉसिबल है और कैसे आपको इसके पीछे आइडिया मिला और कितनी रिसर्च करनी पड़ी और आपको ओवरऑल कितना टाइम लगा इसे मार्केट में लाने में? तो हम ये टेक्नोलॉजी पर 2 साल से काम कर रहे हैं। तो हमें मालूम भी नहीं था कि हम चिप्स पैकेट से सनग्लासेस बनाएंगे। इनिशियली तो हमने सिर्फ चिप्स पैकेट्स को देखा और हमें मालूम पड़ा कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में, नहीं दुनिया में। लगभग 0% क्लोज, लेस देन 1% ऑफ ये चिप्स पैकेट दुनिया में रिसाइकल होते हैं। तो कोई रिसाइकल करता नहीं है, इट्स कंसिडर्ड इम्पॉसिबल टू रिसाइकल, तो बहुत डिफिकल्ट रिसाइकल करना। और हम ये काम सोशल और एनवायरमेंटल रीजंस के लिए कर रहे हैं, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, हमें पैसे नहीं बनाने, पैसे बनाना हमारा इज नॉट अ प्राइमरी गोल। तो इसलिए हमें मालूम पड़ा कि हमें चिप्स पैकेट्स पर ही काम करना है, क्योंकि कोई कर रहा नहीं है काम इस पर। और सिर्फ चिप्स पैकेट्स नहीं, चॉकलेट रैपर्स, टेट्रा पैक, ये सब चिप्स पैकेट्स इज जस्ट हमारा लोगों को समझाने की लिसन, दिस इज नॉट की तुम्हारी प्लास्टिक बॉटल्स नहीं है, ये चिप्स पैकेट्स है। और फिर जब हमने उसमें से हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की जो ये चिप्स पैकेट्स में से मटेरियल्स निकालता है, और फिर हमें अच्छा मटेरियल मिला। अब मटेरियल से हम क्या कर सकते हैं, और फिर हमें मालूम पड़ा कि हम मटेरियल से बहुत कुछ कर सकते हैं, और हमें कुछ तो भी डिफरेंट करना था जो रिसाइकलर्स, नॉर्मली जब तुम रिसाइकल मटेरियल से काम करते हो, यू डोंट गेट, उसकी प्रॉपर्टीज अच्छी रहती नहीं है और तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो उसका। मगर हमने सोचा कि हम सनग्लासेस बनाएंगे, क्योंकि सनग्लासेस में तुम कौन सा भी मटेरियल यूज नहीं कर सकते हो, इट हैज टू बी गुड मटेरियल, हाई क्वालिटी, थोड़ा इंट्रिकेसी और फिनेस होना चाहिए उसमें। तो वो हमने किया और फिर सनग्लासेस बिकेम अ गुड थिंग टू लॉन्च विद। तो हमने वो डिसाइड किया। तो ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि मैं एक दिन उठा, मैंने रास्ते पर एक चिप्स पैकेट देखा, बोला काश मैं चिप्स पैकेट को सनग्लासेस में कन्वर्ट करूं, ऐसा कुछ नहीं था। सब कैलकुलेटेड था, एंड इट वाज ऑल टू मेक यू नो, सी एंड में सनग्लासेस चिप्स का पैकेट या सनग्लासेस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाला है। सनग्लासेस जस्ट अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि क्या क्या नहीं हो सकता है, क्या क्या हो सकता है रिसाइकलिंग से। ओके, आपने इस मतलब जो आपने इसे तैयार किया है सनग्लासेस, इसके साथ आप कुछ गुड कॉज, सोशल कॉज भी कर रहे हैं, आई थिंक वेस्ट पेकर के बच्चों के लिए आप फंड इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ ऐसा मैंने पढ़ा है आपके बारे में। हाँ शिवाली, दैट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इंडिया में तुम वेस्ट या कचरे के बारे में, कचरे पर काम कर रहे हो, ये सिर्फ कचरे का प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में। इंडिया में लगभग 10 से 40 लाख वेस्ट पिकर्स रहते हैं जो बहुत गरीब जिंदगी बिताते हैं, राइट? तो जब तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें उनका भी, ये इनफॉर्मल इकोनॉमी जो इनको इट्स कॉल्ड द इनफॉर्मल इकोनॉमी, उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, उनका भी देखभाल करना पड़ता है टू सम एक्सटेंट, उनकी भी प्रगति की तरफ देखना पड़ता है। तो इट्स नॉट जस्ट कि हम रिसाइकलिंग कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ जॉब्स दे रहे हैं इन लोगों को, उनकी प्रगति, उनको गरीबी से निकालना, उनको सम्मानित काम देना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट?
तो यार अब शॉर्ट रन में हम क्या करते हैं, 10% ऑफ आवर सेल्स उनके 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 बच्चों के स्कॉलरशिप की तरफ जाते हैं, हम वी हायर देम, वो हमारे लैब में काम करते हैं, उन्हें हम ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें डिग्निफाइड लेबर देते हैं, उनका होपफुली सम्मान बढ़ता है इससे, क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग जो वेस्ट पिकिंग के काम करते हैं लो कास्ट के रहते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स रहते हैं, तो और ऑल्सो हम ये कचरा वेस्ट पिकर से डायरेक्टली खरीदते हैं तो उनको ये एडिशनल इनकम भी मिलता है, तो हम तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल सोशली एंड एनवायरमेंटली, वी हैव टू बी वेरी इंक्लूसिव। ओके अच्छा, हम जैसा बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं आपने पीछे भी काफी सारे चिप्स के पैकेट लगा रखे हैं, तो ये क्या, इसके पीछे क्या मतलब, आपने आपने ऑफिस को ऐसे ही तैयार किया हुआ है? नहीं नहीं, तो जब हमने अगर हमने हमारा लॉन्च वीडियो देखा होगा तो उसमें एंड में सीन्स है जो वेस्ट पिकर्स और लोग डांस कर रहे हैं और पीछे हाँ। बैकग्राउंड में चिप्स पैकेट है, तो हमें हमारी छोटी सी लैब में हमारे पास थोड़ी पैसा था सेट वेट बनाने के लिए, तो हमने बोला कि अरे क्या चिप्स पैकेट बहुत कलरफुल रहते हैं राइट, तो हमारे लैब में हमारे दरवाजे मेन दरवाजे पर यहाँ से हम अंदर आते हैं, हमने जस्ट मेक दिस द बैकड्रॉप ना, हमारा स्टूडियो स्टूडियो का बैकड्रॉप, तो हमने बस चिप्स पैकेट लगा दिया, तो चिप्स पैकेट के बहुत बहुत इस्तेमाल हो सकते हैं ना, यू कैन बहुत बहुत चीजें पर इस्तेमाल तुम कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो मेक अच्छा कलरफुल वॉल भी बन सकता है, तो यहाँ पर हम तो बेटर बैकग्राउंड, दूसरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो ये थोड़ा अच्छा है, थोड़ा यू नो रिलेटिव है। ओके बहुत अच्छा डेकोरेशन है। अच्छा मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने इसके जो नाम दिया है वो विदाउट सनग्लासेस है, ये भी काफी यूनिक है, ये इसके पीछे की क्या स्टोरी है? तो हाँ, हमें जो अशाया जो नाम है ना, वो अशाया इज नॉट अ ब्रांड, अशाया हम मुझे लगता है कि अशाया एक एक इज अ सिद्धांतों पर बना हुआ है, अशाया इज मोर ऑफ अ बैकग्राउंड में यू नो सेट ऑफ वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, पर हमें कुछ बेचना है लोगों को कंज्यूमर ब्रांड का, वी हैव टू क्रिएट समथिंग नया, हमें क्रिएट करना था जिससे लोग इट्स कैची राइट, तो विदाउट जब मेरे दोस्त ने मुझे ये नाम रेकमेंड किया और फिर मुझे लगा कि यार इट्स वेरी डिफरेंट, कोई यू नो विदाउट का मतलब क्या है, लोग को समझ में नहीं आता कि विदाउट क्यों, एंड यू रिमेंबर इट कि ये क्या विदाउट, यू नो व्हाट इज विदाउट, बट हमारा आइडिया ये था कि जब व्हेन पीपल आर बाइंग आर गुड्स, जब लोग हमारे हमारे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, हमें वो उन्हें ये मैसेज देना है कि यू कैन बाय विदाउट एनी वरीज, क्योंकि हम इतना इतना काम कर रहे हैं कि टू मेक श्योर कि हमारे प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स है दुनिया में राइट, बोथ सोशली एंड एनवायरमेंटली, तो जब तुम हमारे सनग्लासेस खरीदते हो तो इट्स लाइक विदाउट वरीज विदाउट गिल्ट राइट, तो वो हमारी पोजिशनिंग हमने वो पोजिशनिंग सोचकर हमने ये विदाउट ब्रांड क्रिएट किया। अच्छा सुनने में तो ये बहुत अच्छा है, सोशल कॉज है, लेकिन अगर हम बात करें मार्केट में लोग अभी भी ब्रांड और लुक वाइज को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो ऐसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास क्या प्लान है या फिर क्या चैलेंजेस हैं? तो ये सबसे हार्ड चीज है राइट, इन द एंड हमें मालूम था, ये शुरुआत से मालूम था कि अगर तुम मार्केट में जा रहे हो, सस्टेनेबिलिटी सेल्स मतलब लोग खरीदते हैं क्योंकि एक चीज सस्टेनेबल है, बट ये सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज इवेंचुअली वो प्रोडक्ट वस्तु को फंक्शनल भी होना चाहिए राइट, वस्तु नीड्स टू बी, अगर तुम सनग्लासेस पहन रहे हो तो कभी कभी वो फैशन स्टेटमेंट होता है, तो इट हैज टू लुक गुड, हैज टू फील गुड, कंफर्टेबल होना चाहिए, सन से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, तो हमें वो बैलेंस करना था कि ये सिर्फ एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट नहीं है, दिस ऑल्सो इज अ गुड प्रोडक्ट, लाइक हमारी सनग्लासेस आर वेरी फंक्शनल, ये मेरे खुद के लिए मैंने सनग्लासेस नहीं बनाए बट सनग्लासेस में मैंने फ्रेम्स डाले मेरे चश्मे, तो इट्स वेरी ये सनग्लासेस दे वेरी फंक्शनल, दे वेरी ड्यूरेबल, बहुत लाइट है, मतलब आसानी से बैठते हैं, मतलब हल्के एकदम, और वो बेंडी भी है और टूटते नहीं है, हमने एक गाड़ी भी चलाई इसके ऊपर, आपने देखा होगा हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर, हमने गाड़ी चलाई और कुछ हुआ नहीं इसे, तो वेरी बेंडी, तो अगर यू नो कुछ तुम्हारे बैग वैग में कुछ हुआ तो कुछ होगा नहीं, थोड़ा डिफॉर्म हो जाएगा, बट यू कैन जस्ट वापस आप ठीक कर सकते हो उसे, तो इट्स ऑल्सो वेरी फंक्शनल, हमारे सनग्लासेस यूवी पोलराइज्ड है तो तुम्हें सन से भी प्रोटेक्ट करते हैं, तो इट हैज टू बी अ गुड प्रोडक्ट, हैज टू बी गुड लुकिंग एंड सस्टेनेबिलिटी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, तो इट हैज टू सब तीनों का होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए और सस्टेनेबल होना चाहिए, तो इट्स वेरी हार्ड, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर सिर्फ पैसे बनाने होते तो और आसान होता है, क्योंकि वन डायरेक्शन में देखना पड़ता है ना सर, अभी एक डिजाइन है, हम एक और डिजाइन बना रहे हैं, हम कलर्स भी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें जब तुम
जब ये प्लास्टिक मटेरियल को तुम मिक्स करते हो और उसे मेल्ट करके उसको पैलेट्स बनाते हो, हमें एक डर्टी ग्रीन कलर मिलता है, अच्छा कलर मिलता है, वो भी हम यूज करेंगे. तो थोड़ा डाइवर्सिटी, थोड़ा मतलब थोड़ी वैरायटी हम ऐड करेंगे. पर हमारा ये तो हमें मालूम नहीं था कि ये बिकने वाले, हमें मालूम नहीं था कि किसी को अब पसंद आएंगे ये. तो अभी थोड़ा ट्रैक्शन मिला है, थोड़ा थोड़ा वैलिडेशन मिला है, तो अभी उसको आगे बढ़ाएंगे. तो कैसे लोग आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, आई मीन कैसे लोग इसे परचेज कर रहे हैं, आपके पास कैसे कॉल कर रहे हैं? बहुत ज्यादा, मतलब हमें ज्यादा, आई मीन इतना, इतने सारे ऑर्डर्स आ गए हमें पहले हफ्ते में कि अभी तक हम वो ऑर्डर्स को फुलफिल कर रहे हैं. तो एक्चुअली हमने दो दिन पहले हमारा बीटा प्रोग्राम, बीटा लाइक ट्रायल प्रोग्राम जो हमने पायलट प्रोग्राम किया था, वो हमने बंद कर दिया, क्योंकि हमें को 500 सनग्लासेस बेचने थे. वो तो 500 सनग्लासेस हमने 4-6 दिन में हमारे बिक गए. अभी भी हम फुलफिल कर रहे हैं वो ऑर्डर्स. तो अभी हमारा बीटा प्रोग्राम बंद हो गया है. वी वर्किंग, हम सब फीडबैक लेकर उसको इम्प्रूव करके नया वर्जन अभी मई या जून में लॉन्च करेंगे. विद लाइक जो हमारा बीटा वर्जन ही रहेगा, इट विल बी अ मच बेटर वर्जन, जो थोड़ा और स्केल पर यू नो हम बनाना चाहते हैं. मे बी हम कलर ऐड करेंगे, दूसरी डिजाइन भी ऐड करेंगे. और अभी सब हम ऑनलाइन सेल करते हैं. अगर आपको चाहिए सनग्लासेस तो यू कैन प्री ऑर्डर देम. तो हम प्री ऑर्डर लिंक ऑनलाइन है, तो अगर आपको खरीदना है, तुम्हें लाइन में पहले होना है, तो यू कैन डू दैट. बट अभी तक तो, सो नाउ वी काइंड ऑफ क्लोज द सेल्स, क्योंकि इतना हम पागल हो गए थे, हम 6 लोग हैं पूरा कर रहे हैं ये. हमें थोड़ा प्रोग्रेस भी करना था, मतलब दूसरे चीजें को भी वी हैव टू बिल्ड, क्योंकि हमारी नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक ये लैब में से हमें कमर्शियल स्केल पर जाना है, राइट? उसको टाइम लगता है, उसको इन्वेस्ट करने में टाइम लगता है, उसको बनाने में, रिसर्च करने में, उसकी प्रोसेस, क्योंकि ये दुनिया में कोई कर नहीं रहा है, तो ये प्रोसेस भी नहीं है, तो उसको भी स्केल करना डिफिकल्ट रहने वाला है. अच्छा, आप अपनी कंपनी आशाया के बारे में कुछ बताएं, क्या मोटिव है और किस तरह के प्रोडक्ट आप लोग पहले तैयार कर चुके हैं? तो हमारा ये पहला प्रोडक्ट है, तो हमने कभी अभी लॉन्च की, 2 साल हम रिसर्च कर रहे थे टेक्नोलॉजी पर मटेरियल बनाने के लिए. फिर उसके बाद हमें मालूम पड़ा कि हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो हमने सनग्लासेस हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है. हमारे पास कोस्टर्स भी है जो तुम्हें ऑनलाइन मिल सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में ये इट्स नॉट, ये सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं है, ये मटेरियल के बारे में भी है, राइट? कि लाइक लोगों को ये मटेरियल भी, हम ये मटेरियल भी बेच सकते हैं. और जब हम ये बेचना शुरू करेंगे, जब हम ये बेचना शुरू करेंगे, तभी हमारा ज्यादा रिसाइकलिंग होगा, राइट? क्योंकि अभी तो 5-5 किलो में से कुछ प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होने वाला है. हमें 100 किलो, 1 टन, ऐसे अमाउंट्स को रिसाइकल करना है, दैट्स द गोल. तो उसके लिए सिर्फ सनग्लासेस बेचना उससे काम नहीं होगा. हम फर्नीचर कंसिडर कर रहे हैं, हम लैम्प्स का डिजाइन हमने शुरू किया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोस्टर्स, मटेरियल को भी बेचेंगे. एंड में हमारी दृष्टि यह है कि तुम वेस्ट को कैसे मोनेटाइज कर सकते हो, ताकि हमारा इम्पैक्ट, हमारा सोशल इम्पैक्ट सस्टेन हो, और हमारा इन्वायरमेंटल तो हम अच्छा काम ही कर रहे हैं, और हमारा खुद इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी है ना, कि अगर हमें किसी की दया पर नहीं चलना है, राइट? हमें सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाना है, वो ही स्केल हो सकता है, वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा. तो दृष्टि हमारी, तो हमारी, हमारा मतलब लॉन्ग टर्म विजन प्लान ये है कि हम कैसे ये सोशल, डीप सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो इंडिया में है, गरीबी के और ये कचरा का, हाउ कैन वी सॉल्व दैट. हमें पैसे नहीं बनाना, दैट्स नॉट द मेन गोल. राइट. तो अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि स्टार्टअप का ये कल्चर जो हम देख रहे थे, जिसे आगे बढ़ रहा है, लेकिन कितना मुश्किल है आप अपने आइडिया को मार्केट पे एग्जीक्यूट कर पाना? लाइक कई बार होता है कि लोगों के पास आइडियाज होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए कभी फंड नहीं है या फिर इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब तो क्या चैलेंजेस हैं, क्या रिस्क हैं आपको लगता है इस फील्ड में? तो जो हमारा काम बहुत फिजिकल है, राइट? लाइक आजकल के स्टार्टअप्स, बहुत सारे फिनटेक स्टार्टअप्स है या टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, तो उसके लिए थोड़ा इट्स स्लाइटली इजियर, क्योंकि तुम्हें कंप्यूटर लगता है, थोड़ा क्लाउड स्पेस लगती है, बस और कुछ नहीं, राइट? पर हमारे लिए तुम्हें मशीनरी लगती है, रॉ मटेरियल्स, केमिकल्स, और ये मतलब नॉलेज विच इज नॉट इजिली यू नो लाइक अवेलेबल. तो डिफिकल्ट कैपिटल लगता है, टाइम, पेशेंस. 2 साल हमने मतलब इस पर रिसर्च किया. तो और आसानी से तुम्हें सपोर्ट भी नहीं मिलता है, राइट? बिकॉज जितने भी यूनिवर्सिटीज है या यू नो दीज लेबोरेटरीज है जिनको मदद करना है, एंड में उनको भी ऐसा लगता है कि
किसी ने हमारे मशीन में कचरा नहीं डालना चाहिए, राइट, बिकॉज कचरा मशीन को तोड़ देता है, राइट, बिकॉज इट्स कचरा. सो एवरीवन इज अ लिटिल स्कैर्ड. तो तुम्हें तो R&D करना, एक्सपेरिमेंट करना बहुत डिफिकल्ट रहता है. तो हमें इनिशियली हम ट्राई कर रहे थे कि हम यूनिवर्सिटी के साथ काम करें, यू नो, इंक्यूबेशन सेंटर के साथ काम करें, मगर हमें रियलाइज हुआ कि हमारा प्रोग्रेस बहुत स्लो रहने वाला. लकीली मेरे पास कैपिटल था जो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, जिससे हम ज्यादा, हमारे पास हमने लैब खुद स्क्रैच से बनाई, जिससे हमारी स्पीड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन बढ़ी. बट चैलेंजेस बहुत रहते हैं एंड इट्स योर एटीट्यूड. अगर तुम्हारे मोटिवेशन है, तुम्हें काम करना है, तुम्हें ये तो हो जाता है. इंडिया इज अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्टअप. ये तो सपोर्ट गवर्नमेंट से, फैमिली फ्रेंड्स, अदर इंस्टीट्यूशंस, बहुत सपोर्ट, बहुत, इट्स अ वेरी पॉजिटिव प्लेस टू स्टार्टअप. और हो जाता है काम यहाँ पर. अगर मैंने ये सेम काम किधर और किया, मैं US में था 10 साल, अगर मैंने वहां पर वहां ये शुरू किया होता तो it would be 10 times more expensive to do. Or it's not like hum 10 guna jyada fast move hote hain. Like it's, it would be 10 times more expensive, but hamara progress would be maybe the same, you know. So it's a, India is a great place to start. Abhi itna potential hai, market yahan par hai. So yeah, lots of, it's a really good place to start. But challenges hai, but your attitude, it's all about your motivation and attitude. Agar positive attitude hota hai, it sounds very cliche. Sab log bolte hain, ah, optimism, but it's really important. To agar tumhare mein dam hai, or are you willing to make the compromise and sacrifices to start something? Kyunki wo difficult rehta hai. It's not a startup. On the outside, sabko lagta hai, ah, kitna maza ka kaam hai. Nahin, but it's very difficult. Life nahin rehti hai tumhari. So, kaam par hi focus करते रहते हो. और तो इट्स इम्पोर्टेंट कि तुम्हें मजा आए, तुम्हें यू नो विश्वास है तुम्हारे काम पर. दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसके साथ ही तुम आगे बढ़ सकते हो. अदरवाइज यू नो यू विल बर्न आउट, और फिर एक साल में पैसा भी गवा हो जाएगा और फिर कुछ प्रोग्रेस भी नहीं होगा. तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट समथिंग, जस्ट थिंक अबाउट इट अ लॉट बिफोर स्टार्टिंग. ओके, अच्छा आपने कब डिसाइड किया कि मुझे इस फील्ड में आना है, अपना स्टार्टअप ओपन करना है, और इससे पहले आप कहाँ पे थे, अपनी पूरी जर्नी बताइए. तो मैं इंडिया में बॉर्न हुआ, मैं औरंगाबाद में था, महाराष्ट्र में 9 साल तक. फिर पापा को जॉब दुबई में मिला, तो मैं दुबई में बड़ा हुआ. 18 साल तक मैं दुबई में था. फिर उसके बाद लोग जाते US पढ़ने के लिए, तो मैं US पढ़ने के लिए गया. मैंने अंडरग्रेड फाइनेंस और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में किया, और मैंने फाइनेंस में काम किया. तो मैं 5 साल में US में फाइनेंस में काम कर रहा था, 10 साल मैंने वहां पर स्पेंड किए. बट एंड में यू नो मैं पैसा बना रहा था, न्यूयॉर्क में रह रहा था, एवरीथिंग वॉज गुड, यू नो ग्रीन कार्ड का एप्लीकेशन हो गया था. बट देन कुछ तो भी मिसिंग, आई वाज फेल्ट दैट फॉर सम रीजन मैं डिप्रेस था. एंड किसी को I couldn't tell anybody कि हाँ मैं depressed हूँ. लोग पूछते थे क्या मतलब, क्यों depressed है, सब तो है तेरे पास. So that anyway, but the point was कि I was seeking purpose, right? आशय से आता है, right? संस्कृत शब्द आशय से आता है. तो I was seeking purpose. और फिर मुझे मालूम था कि मुझे इंडिया में जाकर काम करना है गरीबी पर through social enterprise. But मुझे I didn't want to be that person, जो न्यूयॉर्क से आता है. मेरी हिंदी भी आपको समझ में आ रही है कि इतनी अच्छी नहीं है. मुझे कुछ समझ, इंडिया में मैं 20 साल से रहा नहीं हूँ. तो मुझे इंडिया के बारे में सीखना था, मुझे इम्पैक्ट के बारे में सीखना था शुरू करने के पहले. तो 3-4 साल मैं इम्पैक्ट के बारे में सीखा. फिर शायद शुरू करने के पहले मैंने 1 साल इंडिया में रिसर्च किया, काम किया, वॉलंटियर किया, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सीखा, मराठी क्लासेस लिए. अभी हिंदी क्लासेस भी शुरू करना पड़ेगा. और फिर मैंने काम शुरू किया. सो व्हेन आई जब मुझे लगा कि आई एम रेडी, कि मैं अभी शुरू कर सकता हूँ, मुझे आई अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज. तो हाँ, तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो मेरे पास्ट में जो भी मैंने सीखा है उसका मैं अभी अच्छा उपयोग कर रहा हूँ. इट्स लाइक दिस इज व्हाट आई लाइक टू थिंक. लेट्स सी. ओके, और आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स, उनका क्या कहना था जब आप US छोड़ के इंडिया आए और आपने ये शुरू करने का फैसला किया? तो उनका क्या रिएक्शन? आई एम वेरी लकी शिफाली. मेरे पापा मम्मी दे आर वेरी सपोर्टिव. नथिंग, एवरीथिंग आई एम, जो मैं आज कर रहा हूँ उनके बिना पॉसिबल नहीं होता. जब मुझे शॉप छोड़ना था न्यूयॉर्क में, वो आए, उनसे बात करा था. मैं बोला था शिट यार, क्या बोलने वाले हैं मेरे पापा मम्मी. दिल भी लाइक, तू इतना अच्छा जॉब है, इतना पैसा कमा रहा है, छोड़कर तू क्या, तुझे क्या इम्पैक्ट करना है, ये इम्पैक्ट तुझे मालूम भी नहीं क्या है. बट जब मैंने उनको बताया, दे वर लाइक या डू इट, यू नो उनमें
they believed in me, right? But at the same time, they allowed me to do all these things, and they let me explore. They let me take risks. And unke bina ye kuch possible nahi hota. So support system, mere family ka, mere friends ka is I'm super lucky. Or us like because I'm lucky, us wajah se I feel ki mujhe mere par aur moral obligation hai ki ye kaam karne ka. Kyunki logon ko aise chances milti hi nahi hai. तो जो लोगों को अगर मिले नहीं तो फिर कैसे मिलना भी बहुत बड़ी चीज है राइट तो अगर मेरे को ऐसे चांसेस मिल रहे हैं तो मैंने उससे कुछ करना चाहिए आई शुड डू समथिंग ऑफ वैल्यू और पैसे ज्यादा पैसे बनाने से मुझे कुछ मिलने नहीं वाला था आई रियलाइज जल्दी मुझे मालूम पड़ा कि इट्स नॉट अबाउट द मनी मनी इज इम्पॉर्टेंट अप सर्टेन एक्सटेंड तक मनी यू नीड मनी टू यू नो लिव अ गुड लाइफ एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट बट आफ्टर सम पॉइंट उसका महत्व कम होता है मेरे हिसाब से ओके अच्छा आप अपनी टीम के बारे में बताइए आशाया में कौन कौन लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं और वो क्या काम करते हैं थोड़ा सा हमें दीजिएगा सो हम अभी 6 लोग हैं हम 12 लोग ऑल टुगेदर है 6 फुल टाइम और 6 पार्ट टाइम तो 6 लोग में हम साइंटिस्ट है इंजीनियर्स है ऑपरेटर्स है डॉक्टर जितेंद्र संदानी मेरे साथ एकदम बिगिनिंग से थे हम दोनों ये लैब में आकर एक दो डेस्क के साथ हमने शुरू किया उनका बैकग्राउंड टेक्निकल था मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस ऑपरेशन था तो हमारी हमारी मतलब हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा था तो वो ही वाज द फर्स्ट पर्सन आई ब्रॉट ऑन बोर्ड फिर उसके बाद अभी यू नो टीम इतनी भी बड़ी नहीं है 6 लोग फुल टाइम और 6 लोग हमारे पास 6 वेस्ट पिकर्स काम करते हैं पार्ट टाइम ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस उनकी भी इनकम 2x 3x बढ़ गई है हमारे साथ काम करने के बाद और हमको डिग्निफाइड लेबर देते हैं और वो भी मतलब इट्स नॉट लाइक हमको हम स्पेशल ट्रीट करते हैं वो भी काम में वैल्यू ऐड कर रहे हैं राइट सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू सो द टीम इज वेरी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक लोगों सब तरीके के लोग हैं फ्रॉम ऑल डिफरेंट टाइप्स एंड पार्ट्स तो डायनामिक बहुत इंटरेस्टिंग रहता है बट आई मीन लुक दिस इज ऑल अ टीम एफर्ट कोई अकेला नहीं कर सकता ये and that's always really important and I'm very lucky to have an amazing team that's very supportive startup world thoda glamorize hota hai ki wow kitna tum startup chalate ho badi cheez ho gayi aur aajkal startup ki matlab failure rate is very high no 90% of startups fail this is not a good thing it's not a good thing paise ke liye acha nahi hai tumhare dimag ke liye acha nahi hai tumhare tabiyat ke liye acha nahi hai to it's important ki you अगर तुम्हें कभी स्टार्ट करना है कुछ तो भी सोच कर शुरू करो कुछ घाई नहीं है प्रॉब्लम्स कहाँ जा रही है बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऑलरेडी है जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ काम करो उनसे सीखो और फिर शुरू करो और अभी बहुत लाइक दिस सबको शुरू करना है स्कूल में भी नहीं स्कूल भी खत्म नहीं हो शुरू करना है और मोस्ट एंड दैट्स ज़करबर्ग एंड ऑल दीज बिग पीपल ने किया बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट एक्सपीरियंस लर्न की क्या हाउ टू रन अ कंपनी हाउ टू रन अ बिजनेस दिस इज कॉम्प्लेक्स स्टफ और फिर डिसाइड करो कि ठीक है मुझे ये करना है मेरे में है मैं कमिट कर सकता हूँ अदरवाइज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी और लोग सेम मिस्टेक्स करते हैं ओवर एंड ओवर अगेन सो मुझे ये पसंद है कि 90% स्टार्टअप्स फेल हमें वो चेंज करना है वी शुड इम्प्रूव दैट लाइक नो 90% शुड सक्सीड बट अगर तुम कोई भी करने वाला है कोई भी कूदने वाला है कोई सोचने नहीं वाला है देन इट्स नॉट गोना वर्क राइट यू कांट ब्लाइंडली प्रमोट इट आई थिंक देयर इज अ गुड टाइम टू डू इट सो दैट्स माय ओपिनियन पीपल डोंट हैव टू एग्री विद दैट बट दैट्स व्हाट आई थिंक ओके राइट अच्छा आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है अनीश कि आपने ये जो सनग्लासेस के प्रमोशनल वीडियोस में कुछ आम चेहरों को भी जोड़ा है तो राइट ये कौन है ये लोग इनके बारे में आप अगर हमें थोड़ा सा आप बताएं अरे आपको ओके मे बी दिस इज गुड फीडबैक क्योंकि मुझे लगा कि एक यू नो ये क्लियर है बट तो जो हमने ऑब्वियसली हमने एक मॉडल भी हायर किया बट हमारे हमारे जो हमारे लैब में जो काम करते हैं जो वेस्ट पिकर्स है उनको भी हमने उनको वो भी वीडियो में थे वो मतलब दे आर एक्चुअली यहाँ पर काम करते अगर आप अभी हमारे लैब में आओगे तो आप उनसे मिल सकोगे एंड फॉर अस दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी आर एन इंक्लूसिव ब्रांड लाइक इट्स हम ये काम पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं हमें ये सॉल्व करना है तो व्हाई नॉट इंक्लूड देम इन द होल प्रोसेस एज वेल लाइक वो दिन छोड़ो जो भी वीडियो में आया वो अच्छा हुआ बट हमें एज अ टीम हमें इतना मजा आया सब साथ में जब हम कर रहे थे जब हम शूट हो रहा था इधर ही सबको इधर खड़ा किया और उनको सबको सनग्लासेस दिए और बस इट वाज सच अ गुड सच अ नाइस
इवेंट, सच अ गुड डे. और अगर हमने कुछ किसी को स्पेशल ट्रीट नहीं किया, हमारे हमारी दृष्टि में जो मॉडल है और जो वेस्ट पिकर है उनको सेम स्पेस इन द सेम वर्ल्ड, लाइक हमें ऐसा डिफ्रेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है. तो हाँ, ये जो जो तुमने जो चेहरे देखे वो हमारे लैब में काम करते हैं, वेस्ट पिकर्स है, और उन्होंने कभी वीडियो शूट कभी किया नहीं है. हमने उनको कुछ बोला नहीं, क्या पहनो कुछ नहीं बोला. हमने बोला हम फोटोज लेने वाले, तुम आओ जैसे तुम्हें आना है. सो देयर वाज नथिंग, वी डिडंट प्लान, नो मेकअप, नथिंग. हमारा कुछ ऐसा नहीं था. हमें जस्ट मालूम था कि हमें इंक्लूसिव करना था कि हाँ सब लोग आकर दिस इज ऑल, वी ऑल इन दिस टुगेदर. सो थैंक यू सो मच अनीश, आपसे बात करके अच्छा लगा. आप सिर्फ सनग्लासेस नहीं बना रहे हैं बल्कि कई लोगों की मदद कर रहे हैं और लोगों को भी काफी इंस्पायर कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच और नमस्कार. तो ये थे हमारे साथ अनीश मालपानी जिनसे हमने बात की. बाकी देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन. थैंक यू.